ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी. कुछ कुछ ऐसा है ट्रेपीजियम में, दो साइड्स पैरेलल दे रखी हैं और दे रखा है ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी एक नॉन पैरेलल साइड जो है ना वो परपेंडिकुलर भी है, कुछ ऐसा डायग्राम है, है ना. और आपको बोला है सपोज दैट ए बी सी डी हैज़ एन इन सर्कल, ये एक इन सर्कल है. अभी हम मार्क कर देंगे कौन सी साइड कौन सी है, ये पता चलने के बाद कि ए बी वाली बड़ी होगी या सी डी वाली बड़ी होगी. ठीक है, यहाँ तक दे रखा है, ये पॉइंट्स यहाँ पे टच करता है. तो आपको बोला है विच टचेज ए बी एट क्यू एंड सी डी एट पी, तो ये दो पॉइंट जो आपको है पी और क्यू गिवन है, और पी सी 36 से क्यू बी 49 है ना. तो मैं देख रहा हूँ क्यू बी बड़ी वाली है, क्यू बी बड़ी वाली है, तो ये क्यू होना चाहिए और ये बी होना चाहिए और ये होना चाहिए सी और ए डी. ये डायग्राम बनाना बड़ा ज़रूरी है ध्यान से देखकर, पहली बार में टाइम भी बचता है हमारा, है ना. तो आपको दिख रहा होगा कि ए बी सी डी जो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है. मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, मैंने आइडेंटिफाई किया ये देख के कि क्यू बी 49 है तो ये बड़ी साइड आना चाहिए 49, और छोटी वाली पी सी है तो ये पॉइंट होगा आपका पी और ये वैल्यू आपकी होगी 36. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. सबसे पहले तो ये जो मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 2 के बाद दूसरा सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक का, जो बहुत इजी है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना. देखो फर्स्ट थ्योरम आपकी ये कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो इक्वल होते हैं एक सर्कल पे, तो वो 36 है, तो ये भी कितना हुआ 36. सिमिलरली ये 49 है तो ये भी कितना हो गया 49 हो गया. अब आप चेक करेंगे कि यार ये अगर सेंटर है तो सेंटर यहाँ पे टच करेगा तो 90 डिग्री बनाएगा बिकॉज ये टेंजेंट है. सिमिलरली सर्कल का सेंटर यहाँ टच करेगा तो अगेन 90 बनाएगा बिकॉज ये भी टेंजेंट है. और ये 90 अगर 180 इट मीन्स पी क्यू कैसा लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है. ओके, अगर पी क्यू स्ट्रेट लाइन है तो आप देखेंगे ये छोटा सा रेक्टेंगल जैसा बन गया. अच्छा, ये रेक्टेंगल जैसा बन गया तो ये तो आपका क्या हो गया 2 times ऑफ रेडियस. और अगर ये रेक्टेंगल है तो सी से जैसे ही मैं कंस्ट्रक्शन करके परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, लेट्स से इस पॉइंट को क्या बोलना है आर बोल देते हैं. ठीक है, तो ए डी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर, ये सबसे पहली चीज़ आ गई. ए डी इज इक्वल्स टू क्यू पी इज इक्वल्स टू सी आर, दैट इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ रेडियस. ओके, दोनों आपका 2 times ऑफ रेडियस है. अब आपके पास एक ये ट्राइंगल बचता है ना. इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस मुझे पता है, परपेंडिकुलर 2 times ऑफ रेडियस, कहीं से अगर आर भी पता चल जाए तो काम हो जाएगा. और वो पता भी चल जाएगा बहुत ईजिली बिकॉज ये डी सी ए आर आपका क्या है रेक्टेंगल है. अगर ये रेक्टेंगल है तो इसमें क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पूरी लेंथ है ये इसके बराबर हो जाएगी. ठीक है, अब ये जो मेरा सेंटर था इसको इधर इधर तो मैंने ज्वाइन किया था, अगर मैं यहाँ भी ज्वाइन करता हूँ तो ये भी 90 होगा, ये 90 होगा. तो ये देखिए ये आपकी रेडियस है और ये आपकी रेडियस है, ये छोटा सा आपका क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर होगा ये आर. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या होगी आर, सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या होगी आर होगी. फाइनली अगर ये आर एंड 36 मतलब आर प्लस 36 है तो नीचे वाला भी आर प्लस 36 होगा. यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 36 और टोटल 49 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बची हुई लेंथ होगी वो कितनी होगी 36. अगर इधर रह गई तो 49 में से क्या बचा 13, इतना सा हो गया. सो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेडियस बहुत ईजिली. स्टार्ट करें 36 एंड 49 सम करेंगे कितना आएगा, ये आएगा आई थिंक 85, यस 85 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ रेडियस. सो 2 r स्क्वायर प्लस और ये है आपका 13, सो दैट इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर. इसको उधर भेज देते हैं, दैट इज 4 r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 85 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर. वी कैन अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 85 प्लस 13 दैट इज इक्वल्स टू 98 इंटू 85 माइनस 13 दैट इज इक्वल्स टू 72, दैट इज इक्वल्स टू 4 r स्क्वायर. 4 से कैंसिल करते हैं, किसको कैंसिल करें 72 को, 4 वन ज़ा 4 3 बचेगा 4 एट ज़ा 36, तो 4 यस 4 एट ज़ा 32. ओके, सो फाइनली आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 98 इज 2 इंटू 49 और 18 इज 2 इंटू 9, तो 49 9 और 2 का पेयर बन गया. यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 42. और आपको इसने बोला है कि फाइंड पी क्यू, सो द पी क्यू इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ रेडियस, इट मीन्स डायमीटर. सो पी क्यू इज इक्वल्स टू 42 का 2 times दैट इज इक्वल्स टू 84. ठीक है, नोट कीजिए.